अंग्रेजों ने गुलामी के दौर में हिंदुस्तान में उठने वाली आजादी की हर आवाज को दबा के रखा था। उनकी कोशिश थी कि कैसे भी इस देश को गुलामी में बांध कर रखा जाए। लेकिन 1857 में इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठी। उस आवाज को अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से दबाया, लेकिन अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए उन्होंने इस धरती के एक खूबसूरत कोने को चुना और अंडमान के चारों ओर से पानी से घिरे एक आइलैंड को धरती के नरक में बदल दिया। ये था काला पानी। काला पानी एक ऐसी सजा जिससे बेहतर मौत होती थी। जो इसे देख ले वो कांप जाए, जो इसे पा जाए वो मौत का डर भूल जाए। अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा, यहाँ आजादी के मतवालों को तमाम तरीके के टॉर्चर का सामना करना पड़ता था। समुद्र के बीच इस जेल की दीवार छोटी रखी जाती थी ताकि लोग बाहर निकलने का लालच रखें और दूर दूर तक पानी देखकर गुलामी की बेबसी को जीते रहें। यहां से भाग पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अंग्रेजों ने यहां ऐसी सजा रखी कि इसे सुनते ही कोई यहां जाना नहीं चाहता था। जो प्लेट खाने के लिए दी जाती थी, सुबह टॉयलेट के वक्त भी वही इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इस जेल में कोई टॉयलेट नहीं था। दिन में कैदियों को शरीर पर बिना कपड़ों के तेल निकालने को कहा जाता था। जरा भी काम धीमा होने पर उस नंगे शरीर पर कोड़े बरसाए जाते थे। इस जेल में कैदियों को खाना सिर्फ जिंदा रखने के लिए दिया जाता था। खाने में सब्जियां कम और कीड़े ज्यादा होते थे। हक की बात और भूख हड़ताल करने वालों के मुंह और नाक में पाइप डालकर उनकी हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जाती थी तो आवाज उठाने वालों की जुबान जला दी जाती थी। एक सेल में सिर्फ एक कैदी रहता था जिसके गले पर पट्टे में उसकी सजा लिखी होती थी। यहां मिलने वाली मौत भी बिना किसी इंतजार के होती थी। कभी भी किसी को फांसी दे दी जाती थी तो कभी किसी को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाता था। बीमार होने पर दवाई नहीं मिलती थी। बीमारी से मौत पर कैदी के शरीर को समुद्र में फेंक दिया जाता था। लेकिन जो अंग्रेज चाहते थे वो इस नरक में भी नहीं कर पाए। आजादी की मांग उठती रही और ऐसी जगह में भी क्रांतिकारियों का जोश और बढ़ता रहा। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। 1911 में उन्हें एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की साजिश के आरोप में काला पानी भेज दिया गया। उन्होंने यहां वो तमाम टॉर्चर झेले जो इस जेल में किए जा सकते थे, यहां तक कि उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इस जेल में थे। लेकिन वो दोनों भाई भी आपस में 2 साल बाद मिल सके। कारण था, यहां कैदियों को इतना बांध कर और अलग रखा जाता था कि कोई किसी से ना मिले और किसी तरीके की साजिश ना कर सके। बाद में कई भारतीय नेताओं के कहने पर सावरकर को 10 साल बाद 1921 में इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सावरकर अकेले क्रांतिकारी नहीं थे जिन्होंने यहां अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। भगत सिंह के साथ ही महावीर सिंह भी इस जेल में कैद थे। जेल में हो रहे टॉर्चर के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंग्रेजों ने महावीर सिंह की भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए उन पर काफी जुल्म किए, लेकिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की।
इसके बाद अंग्रेजों ने उनकी हड़ताल को तोड़वाने के लिए जबरदस्ती उनकी नाक और मुंह में पाइप से दूध डालने की कोशिश की। इस कोशिश में महावीर सिंह की मौत हो गई और उनके शरीर को अंग्रेजों ने समुद्र में फेंक दिया। लेकिन महावीर की मौत की खबर सेल्यूलर जेल में फैल गई और वहां मौजूद 230 कैदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। 1939 में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नेताओं और प्रभाव रखने वाली शख्सियतों ने अंग्रेजों के जुल्म की पहचान बन चुकी इस काला पानी की सजा को खत्म करने की मांग की। इन सभी के दबाव में अंग्रेजों ने इस जेल को बंद कर दिया और यहां मौजूद सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि जैसे को तैसा मिलता है और सेल्यूलर जेल के साथ भी यही हुआ। 1942 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान ने इस जेल को अपने कब्जे में ले लिया और अगले 5 साल यानी 1945 तक उन्होंने इसी जेल में अंग्रेजों को वैसी ही सजा दी जैसी अंग्रेज बाकी भारतीयों को देते थे। यानी ब्रिटिशर्स को उनकी किए की सजा वहीं मिली जहां वो दूसरों को सजा दिया करते थे। काला पानी ये नाम यूं ही सजा को नहीं दिया गया। काला यानी अंधकार और पानी यानी जीवन, जहां जिंदगी ही काली हो जाए वो ये जगह थी। अंग्रेजी में ब्लैक वाटर, एक शब्द जो डार्कनेस को बताता है। कालपान संस्कृत का ये शब्द नरक के लिए कहा जाता है। इस सजा को जिन्होंने भुगता है उनकी कुर्बानियों और दर्द के दम पर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम उस दर्द को, उन चीखों को, उस हिम्मत को याद रखें जो उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए हुई।